जय श्री कृष्णा। आज हम आपको जानकारी देंगे कि नवरत्न अंगूठी क्या होती है, इसके क्या शुभ प्रभाव हमारे लिए रहते हैं। हम अपने बड़े बुड्ढों से और विद्वान पुरुषों से सुनते चले आ रहे हैं कि भाई अमुक का भाग्य देखो कितना अच्छा है, उसके ग्रह गोचर कितने अच्छे हैं कि जहाँ वो कल तक घर पर दो टाइम की रोटी ढंग से नहीं खा पाता था, आज वो पांच सितारा होटल में जाकर भोजन कर रहा है। और कहीं कहीं ऐसा भी सुनने को मिलता है कि जो कल तक पांच सितारा होटल में खाना खा रहा था और एरोप्लेन से कम की यात्रा ही नहीं कर रहा था, आज वह दर दर की ठोकरें खा रहा है। देखो कितने ग्रह बिगड़ चुके हैं, उनके ग्रह कितने बुरे आ गए हैं। कुल मिलाकर सारांश यह रहा कि सबकी एक मान्यता तो है और वो यह है कि कहीं कोई ग्रह होते हैं, प्लेनेट्स होते हैं। हमने आपको ज्योतिष में सात नैसर्गिक ग्रह और दो छाया ग्रह यानी कि कुल नौ ग्रह बताए। साथ ही साथ आप जब कभी आप जहाँ पर भी रहते हैं किसी अच्छे ज्योतिषविद या वास्तुशास्त्री से मिलते हैं तो वो आपको बताता है कि आपका कौन सा ग्रह बहुत अच्छा चल रहा है, कौन सा कमज़ोर चल रहा है, कौन सा बहुत ख़राब चल रहा है। हम ये सब बातें इसलिए कह रहे हैं आपसे कि हर व्यक्ति चाहता है कि वह एक संतुलित जीवन जिए और उसका सुख दुख जो जीवन में है, हारी बीमारी है, आधी व्याधि है, खुशियाँ और गम है, एक संतुलन लेकर चले, उसको ना बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़े और ना ही वह घमंड में चूर होकर कोई गलत काम करे। इसी के समाधान के लिए आज मैं आपके साथ में जो शेयर करने जा रहा हूँ वह है नवरत्न अंगूठी के फायदे। पहली चीज़ तो हमें यह समझनी होगी कि ये नवरत्न अंगूठी होती क्या है। नवरत्न अंगूठी जैसा कि नाम से ही आप वाकिफ हो रहे हो इससे कि जिस अंगूठी में नौ के नौ रत्न जड़े हुए हो, लगे हुए हो, ऐसी अंगूठी को हम नवरत्न अंगूठी के नाम से जानते हैं। यह अंगूठी हमेशा जीवन में एक संतुलन बनाए रखती है और सबसे अच्छी बात यह है कि यह हमेशा सौभाग्य का ही प्रतीक होती है। हमारे स्वास्थ्य में समृद्धि लाती है, खुशहाली को बढ़ाती है और मन में शांति देती है। हमारे परिवार में जितनी भी प्रतिकूल व्यवस्थाएं हैं, जीवन में जो प्रतिकूल ग्रह है, जो नेगेटिविटी परिवार में या जीवन चरित्र में ला रहे हैं, उस नेगेटिविटी को यह अंगूठी हटाती।
जो जातक इस अंगूठी को धारण करता है उसकी कॉन्सेंट्रेशन पावर, एकाग्रता बढ़ती है और वह पॉजिटिविटी, सकारात्मकता से भरपूर होता है। सवाल यह है कि यह अंगूठी कब पहननी चाहिए, कैसे बनवानी चाहिए, कैसे धारण करें हम, तो मैं आपको बता दूं, पहली बात कि यह अंगूठी अगर आप पुरुष है तो दाहिने हाथ की अनामिका में, और यदि आप स्त्री है तो बाएं हाथ की अनामिका अंगुली में धारण करेंगे। दूसरी बात यह है कि अंगूठी सोने में बनवाई जानी चाहिए, यह फर्स्ट प्रायोरिटी है। किसी कारण से आप सोने में अभी नहीं बनवा सकते हैं, आप उसे चांदी में बनवाएं, सेकंड प्रायोरिटी है। और अगर किसी कारण से चांदी में भी नहीं बनवा सकते हैं तो आप अष्ट धातु में बनवाएं। जब आप अंगूठी बनवाने का विचार अपने मन में लाए तो ऐसे में आपको एक चीज़ का ज़रूर ध्यान में रखना है, और वो यह है कि आप एक सफ़ेद कागज़ पर तीन कॉलम और तीन रो, अर्थात तीन खाने और तीन पंक्तियों की एक टेबल बना ले, ऊपर ही ऊपर पूरब लिख ले, राइट में दक्षिण, लेफ्ट में उत्तर और नीचे पश्चिम लिख ले। जो केंद्र का सेल है, CELL सेल कोस्ट, उसमें माणिक्य जिस क्रम में मैं रत्न बता रहा हूँ उसी क्रम में आप अपने स्वर्णकार से कहेंगे कि वो अंगूठी में लगाएंगे। उसके ठीक ऊपर यानी कि पूरब में हीरा, अब राइट टर्न कर ले आप, मोती, फिर राइट मूंगा, फिर उसके आगे बढ़े गोमेद, फिर राइट टर्न करें नीलम, फिर राइट टर्न करें लहसुनिया, फिर राइट टर्न करें पुखराज और फिर पन्ना। इस तरह से इसी क्रम में यदि आप इन नगों को रखेंगे तो ऐसी परिस्थिति में नवरत्न की यह अंगूठी आपके लिए बेनिफिशियल होगी, लाभदायक होगी। यहाँ एक बात का और ध्यान रखिएगा कि यह अंगूठी जातक को जीवन भर गंभीर रोगों से मुक्त रखती है, जिस तरह से बड़े बड़े आजकल रोग हो रहे हैं, और समाज में मान प्रतिष्ठा भी बढ़ाती है। जो जातक इसे धारण करना चाहता है वह इसे शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को धारण कर ले, पहले चौघड़िए में, यानी कि सूर्य उदय से जो एक सवा घंटे के मध्य रहता है। यदि उस रोज किसी वजह से धारण ना कर सके तो रविवार को दूसरे, तीसरे या चौथे चौघड़िए में इसे धारण कर ले। ध्यान रहे कि इसे धारण करने के पहले आप किसी योग्य पंडित से इसकी प्राण प्रतिष्ठा करवा ले, पूरब की तरफ मुंह रखे या उत्तर की तरफ मुंह रखे, और इसे यथा तरीके से शुद्ध जल, दूध, शहद, गंगा जल आदि से आप स्नान कराएं, धूप अगरबत्ती चढ़ाएं, नैवेद्य चढ़ाएं, मंत्रोच्चारण यदि आप जानते हैं या पंडित जी को बुलाते हैं तो मंत्रोच्चारण करें, और जिस भी इष्ट देवता को आप मानते हैं उस इष्ट देवता का ध्यान रख के आप अपने, अगर पुरुष है तो दाहिने हाथ की अनामिका में, और अगर स्त्री है
तो बाएं हाथ की अनामिका में इसे धारण करें। मुझे उम्मीद है कि यदि आप यह अंगूठी धारण करते हैं तो पक्की बात है कि आपके जीवन में जो इम्बैलेंस्ड लाइफ बनी हुई है वह एक बैलेंस्ड लाइफ में परिवर्तित हो जाएगी, नकारात्मकता सकारात्मकता में बदल जाएगी और जीवन खुशियों से आपका भर जाएगा। जय श्री कृष्णा।